हाय व्यूवर्स, हम आपके लिए एक खसूसी मेहमान लेकर आए हैं जो कि बंगाली कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और खाना भी बहुत बेहतरीन पकाना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छा तारुफ कराया है और हमको बहुत गुस्सा आया है कि ये तुम के किस तरह का तारुफ करता है। हमारा खसूसी मेहमान लेकर आए हैं। खसूसी क्या मतलब? मतलब तुम्हारा क्या है? क्या हमारा पैर में कोई मसला है? हमारा हाँक नहीं है? हमारा कोई हर चीज़ नहीं है? हम खसूसी क्या मतलब? और लेकर आए हैं क्या तुम हमको स्ट्रेचर पर लेकर आए हाय? क्या हमको तुम व्हील चेयर पर लेकर आए हाय? और बंगाली जब बोल दिया कोना पकाने का, उसमें क्या मसला था? बंगाली बोल दिया गाने का, कोना पकाने का उसने बोलने का जरूरत था? मैं इसलिए एहतजाजन या ये लेकर आया हूँ। देखिए, मेरा मकसद ये है कि आप जिस हवाले से आ जाए हैं आप उसी हवाले से बात मकसद करें। आप आम तुम्हारा मकसद समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। तुम लोग यहाँ पर बोला कि इंसल्ट करता है, नहीं, वो इंसल्ट बात नहीं करता है। है हमारा आम कोना पकाता है, अपना जेब से तो पकाता है। हम जो कुछ करता है अपना जेब से मेरा वो पकाता मकसद है। नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाना पकाते हैं या नहीं पकाते हैं। मकसद आप आपका नहीं है। आप कोई अच्छा सवाल करें। एक अच्छा मेहमान को बुलाया है, अच्छा, ये बांग्लादेश में आप कहाँ, बंगाली आपका है, रहस बांग्लादेश में कहाँ पर है? बंगाली है, बंगाली कबीले से ताल्लुक रखता है, खसूसी मेहमान तो है। देखिए, आप मेरे खसूसी क्या जवाब, चीज? नाजरीन क्या तो बंगाली तो समझेगा? आपको है ना इसमें तो। बंगाली में हूँ, हाँ, बंगाली फखर है, मुझे फखर है, मैं तो आपको बंगाली फखर है, हूँ। तो हमारे बोलने से क्या हो गया? लेकिन आप खसूसी मेहमान लेकर आए हैं, क्या आप चलो, मुझे उस बात को स्ट्रेचर पर छोड़िए, लेकर आए उस बात हैं? को छोड़िए। आप बांग्लादेश के कौन से इलाके से ताल्लुक रखते हैं? मैं बांग्लादेश से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मैं और जो पाकिस्तान बना, आम कुर्बानी देकर पाकिस्तान में आया, अब आम को भी दूसरों के साथ शामिल करके तो आईडी कार्ड नहीं देता है। तुम्हारा कहता है ये आप मुझे सवाल बंगाली करने में दीजिए, गैर मुल्की है। आप मुझे सवाल करने दीजिए। नहीं, आप बोलते रहेंगे, मैं क्या कहूंगा? मैं आज बांग्लादेश जाता है, हमको बांग्लादेश में आसीना नहीं छोड़ता। ठीक चलो है, छोड़ो उस बात को। आप किस वक्त से खाना पका रहे हो? कहानी को छोड़ो। आप सबसे पहले मैं आपका प्रोग्राम में आया, मेरा खून खून, मैं अपना खून कुर्बानी देकर पाकिस्तान बनाया है। 47 में हम आया है, कराची में हमारा बहुत बड़ा कारोबार है। सिर्फ कोना नहीं पकाता है हम, अच्छा, तुम्हारा तो आप अपने नजरिया गलत कारोबार का ही है। बता दें। और आप कहता है कि ये गैर मुल्की आप है। अपने कारोबार का ही बता दें। आप चुप करेंगे तो मैं आपसे सवाल करूंगा। आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे क्या बात करूं? मैं मर्चेंट भी हूँ, मर्चेंट ये बर्तन वगैरह खरीद के अच्छा लाता अच्छा हूँ, अच्छा उसी में खाना पकाता हूँ। अब आए ना आप लेन में, खाने लेन पर में। आए ना, हाँ जी खाने पर आ हाँ, गए ना, खाने पर तो आया। कौन आप मर्चेंट? पहले बोलो ही, मर्चेंट हूँ मैं, मर्चेंट। मर्चेंट हाँ चलो, हूँ। आप मर्चेंट है, उसमें हमें कोई शिकवा नहीं वहां है से कि आप खाना पकाते हैं। बर्तन उधर आप से मर्चेंट लाता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ एक इखलाकन आपका तारुफ कराना हूँ। चाहता था बहुत बहुत आवाम के बहुत सामने। बहुत हाँ इखलाक किया आपने। हाँ आप कोई बिल्कुल, ऐसा सवाल करें, हमारा मसला हल करें, हमारा मसला। ये उस बात को, आप इस वक्त कहाँ पर रिहाइश पजीर हैं? आपका शौक क्या है? आप अपने शौक के बारे में हमें कुछ बताएं। मैं कराची कराची सब कमा है। हाँ कराची ऐसे शहर है, बिल्कुल बिल्कुल, कराची कराची आसपास का बिल्कुल। तमाम मुल्क कराची से कहता है, कराची का हाँ कहता बिल्कुल, है, राशन कराची से तमाम मुल्क जाता नहीं, है। पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान। नहीं, आपके आपके हमसाया कुछ दीगर मुल्क भी हैं जो यहाँ का ट्रांजिट, यहाँ का चावल जो यहाँ से कराची वो तो पोर्ट से बिल्कुल, होकर जाता है वो करता है, फिर भी गोली हमको देते हैं। हमारा कराची को बुला आप बुला के कराची के कौन कहा से है। इलाके में रहते हैं? मैं कराची की केमाड़ी में, अच्छा, केमाड़ी। कैसा है वैसे? अच्छा इलाका है। बहुत मछली का बदबू आता है, बहुत अच्छा, मछली का बदबू। तो मछली तो मैं आप शौक से खाते हो, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मछली में बड़े शौक से खाता हूँ, किस चीज पकाता भी की? बड़े शौक से हूँ मैं मछली। तो आप जब हमें मैं कोई मछली रेसिपी पकाता बता हूँ, दे मछली के हवाले से। देखिए, आपको मछली नाजरीन देख रहे हैं, कुछ आपसे सीख लेंगे।
मछली का कोई रेसिपी सीख लेंगे तो आपको दुआ देंगे। तो चलो आप दीक्षा चूल्हा यहाँ पे ले आओ, मैं आपको रेसिपी बता देता। नहीं आप सिर्फ जुबानी बता दो, पकाना नहीं है अभी, अभी अभी तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं अभी। वो क्या है दीक्षा चूल्हा, वो एक आदत सा हो गया है कि 3 घंटे हम खाना नहीं पकाए। हम कभी कभी बिस्तरे में जब सो रहा होता है भी, अच्छा। हम कोशिश बिस्तरे में यूं, तो आप बिस्तरे में खाना पकाते हैं? हाँ जी, ये चम्मच मेरे साथ होता है तो मैं ये नींद में कुछ ना तो कुछ पका। वो बात तो ठीक है, चम्मच आप यहाँ क्यों लेकर आए, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी आपको। वो मुझे आप लोगों की फितरत मालूम है, आप लोग आज तक हम लोगों को वो दर्जा नहीं दिया है। अभी मेरे बात और गौर से सुनी, अब आपके जो वो वजीर आजम ने ऐलान किया हमारा आईडी कार्ड का, आईडी कार्ड में हमें गैर मुल्कियों से भी मिलाया गया कि आपके वजीर आजम ने ऐलान किया कि आप गैर मुल्की तो हैं आप। मैं गैर मुल्की नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान बनने में मेरा पूरा आधा खानदान वहाँ पर कट मरा है। मैं 1947 से पहले मैं उस वक्त का आया हुआ हूँ, मैं कैसे गैर मुल्की हूँ? दोबारा वापस क्यों नहीं गए? आप दोबारा वापस अपने मुल्क कौन से मुल्क? देखिए वो आपका नजरिया होगा, हमारा नजरिया कथन ये नहीं है। हमें अपने मुल्क से प्यार है, आज भी है और प्यार करते हैं। आज तक ऐसा कोई वाकया बताया जिसमें बंगाली ने कुछ किया हो कराची में या पाकिस्तान की किसी दीगर शहर में? आप फेसबुक खोले, आपको नफरत अंगेजी जो नजर आएगी उसमें आपको बंगाली नहीं दिखेगा। बंगाली को आप आज तो आप आ रहे हैं ना, आप आ रहे हैं, आपके तो लोग देख रहे हैं। मैं पहले भी आ चुका हूँ, एक आपका प्रोग्राम था लूज टॉक, लूज टॉक में वो प्रोग्राम इंसल्ट किया है, इंसल्ट किया है। हम देखिए आपको कदर करके यहाँ पर लेकर आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है आपको नीचा दिखाने का। हम तो सिर्फ आपको यहाँ पर लोगों के सामने लेकर आए हैं ताकि आप अपने इख्तलाफात एतराजात सब उनके सामने रख सकते हो। इख्तलाफात के हवाले से मैं अगर आपको तो हमसे इख्तलाफ है, आप तो हमसे बैठकर इख्तलाफ कर रहे हैं। आप मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करता, आप ही तो फिर क्या है? मेरे बात सुनी, जब आप कहती हो आप बांग्लादेश चले जाओ, मैं बांग्लादेश में बैठकर कश्ती में जाए, वो लोग आपसे ऐसा प्यार करता है कि वो दूर से देखेगा आपकी कश्ती आ रही है, वो वहीं से उसको हिट करेगी और फिर कश्ती पानी के नीचे चला जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं पानी के नीचे चला जाऊं और मछलियां मुझे खाए? जो पाकिस्तान बना था उस वक्त भी हमारा वोट शामिल है, हमारा खून शामिल है, हमारा कुर्बानी शामिल है। जी बिल्कुल, आज आपको मौका मिले आप वापस अपने इलाके बांग्लादेश नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, हरगिज नहीं जाएंगे, ये आपकी गलत फहमी है। अभी तो नहीं, खाने का टाइम हो रहा है ना, आप कोई रेसिपी हमें बताओ, हम आपको जिस काम के लिए लाए थे आपने तो बड़े मुश्किल से आज टेलीविजन पे बैठने का मौका मिला है। हम आपको इंशाल्लाह दोबारा बुलाएंगे, दिल को बोरस निकाल है। निकालो निकालो बिल्कुल, लेकिन हम पर तो ना निकालो ना। नहीं हम तो आपको लेकर आए, आप हमें ही निचोड़ रहे हो। देखिए हम आप दौड़ना तो नहीं देगा आपके चौबल पे बैठ के दौड़ना दी। चलो आप कोई रेसिपी बता दो, आप काफी अर्से से अलीम पका रहे हो, नियारी पका रहे हो, इनमें से कोई रेसिपी बता दो, हमारे नाजरीन आपको देखकर व्यूअर्स खुश हो जाएंगे, कुछ सीख जाएंगे आपसे। आलिम मेरे वालिद साहब बड़ा चा आलिम पकाता था, अगर ये आलिम नहीं आलिम होता है, आलिम आलिम होता है, आलिम जैसे कि तुम लोग हालिम बोलता है, हम लोग हालिम बोलता है, उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है, आलिम में नमक डालता है, ऑलिव में चीनी डालता है, फर्क है। एक दफा तुम फिर अमर इंसल्ट कर रहे हो, आपका चमचा गिर गया, मैं आपके 3 करोड़ के दरमियान, फिर आपका मर्दुम शुमारी होता है, फिर वहां पर पता चलता है कि 3 करोड़ से भी कम हो गए हैं, तो ये क्या आपके लोगों मछली का जाता है, क्या होता है? दरअसल ऐसे है कि आज कराची का आबादी है लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा है, आप वो भी तस्लीम नहीं करते क्या उससे? असल में ऐसा है कि हमारे इलाके में जो मर्दम शुमारी होता है उस हवाले से तो सही कोई एकदम नहीं है। जिस तरह आप कह रहे हैं वो सही है आपकी बात, चलिए अब तुम लैन पर आ गया है तो अब मैं आपको एक बहुत बताऊं। आप वो अलीम के बारे में बता रहे थे, अलीम के बारे में तो बहुत बात करेगा।
और जो और सोलन, चलो दफा करो। अच्छा और ये सोलन तो आपका टमाटर से बनता है, आपको टमाटर का ईस्ट रेट बंगाल और वेस्ट बंगाल में क्या फर्क है? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में फर्क ऐसा है कि हमारा जो एक बाजू है अच्छा बंगाल, जो इंडिया का अंदर एक रियासत है, वेस्ट एक वेस्ट बंगाल बंगाल, कहलाता वेस्ट है। बंगाल, एक अच्छा वेस्ट बंगाल है, एक हाँ वेस्ट बंगाल है, एक वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल हाँ, ये तो बंगाल आपस में एक दूसरे का आमना सामना है। आमने सामने है हाँ, तो। ये वेस्ट बंगाल के साथ वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट अच्छा बंगाल के साथ कैसे इतफाक है कि वेस्ट बंगाल है बड़ी बात है भाई, ईस्ट बंगाल के सामने वेस्ट बंगाल। अच्छा ये, तो दोनों बंगाल तो है। आप ईस्ट बंगाल भी पहले हिंदुस्तान में शामिल था, हिंदुस्तान का कोई हिस्सा था? ये तमाम तर रियासती बशमूल आपका स्टूडियो, ये भी बंगाल का एक हिस्सा था। अच्छा अब हमारे स्टूडियो बंगाल का हिस्सा बन गया, नहीं कल आप वो कहेंगे इंडिया कि का, कराची वो भी। सॉरी हाँ इंडिया का हिस्सा था। इंडिया का हिस्सा था वो, तो ठीक है आपकी बात कि पाकिस्तान और इंडिया एक मुल्क थे। तो आपने कोई और रेसिपी के बारे में नहीं बताया, हम आपसे सवालत और भी करेंगे, मुझे पता है आप सवालत का भरमार है, आपसे हम और भी सवालत करेंगे, लेकिन आप कोई रेसिपी बता दे फिर हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कोई अलीम, कोई नियारी, कोई आपके इलाके का जो स्पेसिफिक जो रेसिपी है उसके बारे में हमें कुछ बता दें, गोजर की अलवा के बारे में बताएं आपको। जो आपका दिल करे, जो बेहतरीन है, स्वीट डिश है बिल्कुल, 1 किलो बता सकते हैं आप। गोजर ले ले, अच्छा जाके ले ले, तो ले लिया। जाके ले ले, कहाँ लिया आपने? आप फिर इंसल्ट अरे करने भाई पर आप आप रेसिपी बताएं, आपको लेने से क्या काम है, हम बनाते हैं खाते हैं, तो हम घर में जाकर बनाएंगे, अपनी स्टूडियो में थोड़ी तो बन जब सकता है। आप लोगे नहीं तो रेसिपी में आपको ऐसा कैसा बताऊं, आप बिल्कुल नहीं अच्छा मैंने समझोगे। सुना आप पढ़े लिखे भी बहुत हो। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखू हूँ, 14 जमात पढ़ा हूँ। अच्छा अलास्का के अलास्का बारे में आपने क्या सुना है? के बारे में वही सुना है जो आपने सुना है। तो मैंने तो सुना है, आप कुछ बयान करो। इल्फासो के बारे में आपने क्या सुना है? एल्फासो, जो मैंने सुना है वो आपने सुना होगा। तो हाँ इसी वो तो तरह मैंने से ये सुना है। बातें चुने और हाँ मौसीकी के वाले से कोई बात करें। मौसीकी, मौसीकी का आपको शौक है? मौसीकी का शौक? हाँ, एक हाँ सर, बंगाली से आप बांग्लादेश। पूछते हाँ हैं ये बात भी मौसीकी, है, मौसीकी ईजाद किसका क्लासिकल। है? हाँ किसका ईजाद है वो मौसीकी? है तुम्हारा ईजाद है मौसीकी। मौसीकी? किसका ईजाद है हाँ मौसीकी? किसका ईजाद है? हाँ नहीं, बांग्लादेश का ईजाद आप कहते हैं। बंगाली, बंगाली का ईजाद है अच्छा मौसीकी, तो बंगाली का ईजाद मौसीकी के है। हवाले से आपको क्या पता है, क्या और जानते हो आप क्या? शानू शाह को जानते हैं? हाँ शानी शो शानू शाह, हाँ शानू शाह भी बंगाली हैं। कौन से? कुमार सानू। कुमार शानू शाह, कुमार सानू, अच्छा, शानू। वो भी बंगाल के हैं, ऐसे तो नहीं लगते कि कुमार सानू बंगाली था। हम गोता है बहुत अच्छा गोता है, तू प्यार का सागर है, क्या बात तेरी है। एक बूंद के प्यार से हम, तू प्यार का सागर। सागर, वाह सागर सागर, बोले तो सागर, मोस्टली मोस्टली निकलता है हाँ सागर से ना, सागर तो आपने आपको उसी खाली कर दिया पसंद है, है। सागर तो आपने सारा खाली कर दिया है, सागर सही बात। चाइनीज ने खाली किया, सॉरी आम ने अच्छा खाली नहीं किया, सागर सारा चाइनीज ने, वो वेस्ट कौन सा है, अच्छा चाइनीज सी, हारमोनियम बजा लेते हैं आप, तबला वगैरह? सब बजा लेता हूँ मैं। अच्छा तो आप काफी शौकीन बंदे लगते हैं मुझे, लेकिन दिखते तो नहीं है। फिर वही बात, फिर वही आप बहुत बात, जल्दी नाराज हो आप जाते हैं, आप लोग देखिए आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते आप हैं। लोग ये भूल जाते हो कि आप ऑनियर जा रहे हो। देखिए जो शौक हम लोगों को मौसीकी में है उसका तुम अच्छा एक बूंद भी नहीं है। हाँ तो सुना कुछ समय, सुनाए बंगाली में ही सुना दे। हार जितोकार हमेशोइबो, हार जितोकार वाह हमेशोइबो, क्या बात है, बोलू बोशो करता, बोलू बोशो जो एक मालूम लफ्ज ऐसा है क्या है वैसे? मोहब्बत, ये लफ्ज है मोहब्बत का, मोहब्बत बोलू का लफ्ज, बोशो करता, मोहब्बत, हम बोलू बोशो करता, वो मोहब्बत, बोलू बोशो मालूम करता, ऐसा लेकिन तुम लोग नफरत करता, तुम लोग आज भी रिकॉर्ड हमारे जारी नहीं करता, कोशिश हमको दूसरों करेंगे, से हम मिला था। हुकूमत को कोई चिट्ठी वगैरह देने की कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए कोई है?
रेसिपी खुरुद वांगड़ बता सकता हाय हम तुमको। वो क्या होता है खुरुद वांगड़? खुरुद वांगड़ वो अब हम इधर भी बलूचिस्तान में भी बहुत रहा है तो इसलिए वो ये तो कोई मुझे इन इलाकों का नाम लगता है बलूचिस्तान वगैरह में ये मैंने नाम सुना है। अब खुरुद वांगड़, खुरुद वांगड़ ऐसे बनता है ये अब खुरुद वांगड़ लेता है जो कि आजकल क्या होता है में वो क्या है बैंगन जो कि तकरीबन अभी जब हम स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो हमको 200 रुपए किलो पता चला था। अब जाते जाते अगर आप जब तक दुकान पहुंचोगे तो हो सकते 100 रुपए उसमें जिस तरह का तुम्हारा नया हुकूमत आया है तो हो सकते जाते जाते जब मैं स्टूडियो से बाहर निकलूँ तो 200 रुपए का 300 रुपए का हो चुका हो। तो वो वांगड़ बैंगन को कहते हैं तो और खुरूद ये महंगाई भी तो कुछ तो वजह है इस महंगाई की। आप कहते हैं कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो इतना बढ़ जाता है पाकिस्तान जैसे कि टमाटर का रेट चल रहा है आजकल आप उस तरह कह रहे हैं ना टमाटर आजकल सबसे बड़ी बात जो पहला स्ट्रीट क्राइम होता था गलियों में लोग मोबाइल छीनता था मोटरसाइकिल छीनता था बिल्कुल आजकल वो टमाटर छीनता है टमाटर चिंता है। आप नहीं समझते कि मुल्क में इस वक्त भी कोई चीज सस्ता मिल रहा है? इस वक्त मुल्क में बाशन मिल रहा है वो सस्ता है। क्या वो बाशन? तकरीर मैं ये ठीक करेगा मैं वो ठीक करेगा बैन अक्वामी ये खबर आता है स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चला गया है दूसरे तरफ आवाम का दिल नीचे चला गया है आई टेंशन हो गया आई ब्लड प्रेशर हो गया है और बहुत ही और तरह का माहौल बना है दिल की बीमारियां बढ़ चुकी हैं 800% आपने दिल की बीमारियों पे रात के बाद एक सैलरी भी तो है। नहीं मैं समझता हूँ डरने वाले क्या जानते हैं पाकिस्तान का लोग जो हमेशा एक गामजनी सफर है एक कामयाबी की राह की तरफ कितने तरक्की का रास्ता लेकिन अफसोस को बहुत ये है कि ये सड़क लंबे से लंबा तर होता जाता है जितना सफर करते जाते हैं मंजिल अपना दूर होता चला जाता है। कौन है जो इस सड़क को छोटा करे? हो जाएगा दिल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। अच्छा आप केले खाते हैं? आप क्या हो गया जनाब? मैं तो बड़े शौक से खाता हूँ। अजीब आदमी है तुम केले का बहुत नहीं करने का केले को नाम नहीं लेने का मेरे सामने और तो बड़ा कैल्शियम से भरपूर आजकल कोयटों में आया हूँ और सब्जी का रेट देखो स्टॉक एक्सचेंज की तरह हॉप होता चला जाता है और केला है दिन ब दिन पाकिस्तानी रुपए की तरह नीचे चला जाता है। वो तो है केले बहुत सस्ते हैं और तरफ इतना केला लोगों ने खाया है और शख्स को देखो एक शॉपर आदमी है और अब तो वो कोई बोलता है ना 30 रुपए दर्जन वो दर्जन बोलता है अंडे का दर्जन आते ही उल्टी आने लगता है आम समझता है केला जी। तो केला क्या सारा साल चलता है क्या है इसका क्या सिस्टम है? नहीं ये असल में तब्दीली चाइना की तरह नकली केले तो नहीं है ना ये असल में तब्दीली का नारा लगा था ये वो तब्दीली है। अच्छा तब्दीली आ नहीं रही तब्दीली आ गई है अब लोग केला कहता है अब क्या है एक फायदा जरूर हुआ है वो जो हड्डी मड्डी टूटता है उसको जो डॉक्टर लगाता है उसको फायदा हुआ अच्छा, है उसमें फायदा है कुछ ऐसा बेवकूफ जैसा फालतू लोग अच्छा, बंदर की तरह बंदर एक दफा बात मुकम्मल होने दो बीच में मत ठोको आपकी बात तो खत्म नहीं होती ना एक बंदर की तरह 20 रुपए का केला लेता है यूं चील चील के खा रहा है यूं फेंक रहा है फुटपाथ पे दूसरा पीछे से आने वाला शख्स उसका हाथ में भी केला होगा लाजमी वो भी यूं फिसल जाता है। चलो आप केले को छोड़े ये बहुत लंबा फलसफा है इसको छोड़े मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आजकल के गाने फिल्में किस तरह आपको पसंद है आजकल के गाने फिल्में जो आजकल आ रहे हैं आजकल की मौसीकी के हवाले से कुछ पता है मौसीकी किस तरह है आजकल सही जा रहा है? ये तो गाने नहीं हुए वो कहते हैं मुन्नी बदनाम हुई। अच्छा अब मुन्नी बदनाम हुई ये कोई ये इंसल्ट का लफ्ज नहीं है ये वो तो बिल्कुल ये मुन्नी बदनाम कैसे हुई हम ये पूछता है कैसे हुई ये इंसल्ट करता है ना इंसल्ट अच्छा। इंसल्ट करता है यूनिक बदनाम हो गई
दूसरा तो आपका इख्तलाफ इन गानों से? इख्तलाफ नहीं, ये आपको ये आपको लफ्ज एहतजाज किया, एहतजाजी मरासला दिया, तमा दिया, ये मैंने एहतजाज किया, ये मैंने तो आजकल का कोई ऐसा फिल्म बता दे, कोई ऐसा खास फिल्म बता दे जो आपको अच्छा लगता हो आजकल के दौर का। नहीं मैं फिल्म वगैरह नहीं देखता हूँ। गाने सुनते हैं? मुन्नी बदनाम आपने सुना है? ईरान मुन्नी बदनाम आपने सुना है? ईरान को फिल्म इंडस्ट्री देखा है? हाँ, वो ईरान का फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा फिल्में बनाता है। और जो फिल्म 75 की बहुत यूएसए का है और अमेरिका का, जो क्लिंट ईस्टवुड और दीगर ऐसे अदाकारों ने बनाए हैं, तो वो फिल्में वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर, ये फिल्में थी। किस फिल्में भी देखते हैं? और जी हाँ, मैं इंग्लिश पकड़ वो घोड़ा जो दौड़ रहा होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप भी उधर घोड़े पर सवार हैं और जा रहे हैं तो ये फिल्म। हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला है, आप कोई पैगाम दे तो हम प्रोग्राम खत्म करें। किधर है तुम्हारा वो कैमरा? हर तरफ आपको नजर आएगा। चलिए, ये प्यार का बहुत है। तो नाजरीन, आम बंगाली लोग जो कराची दिल है, सिर्फ पाकिस्तान का दिल नहीं है, इसे साफ सुथरा रखने के लिए सिर्फ हुकूमत का कंधों पर बोझ ना डालें। आप लोग हुकूमत का कंधों पर बोझ ना डालें। कराची शहर को आप खुद भी साफ कर सकते हो। आप लोग जब कचरा डालते हो तो यूं शापर में बांध के, तो किसी महफूज ठिकाने पर जहाँ पर गाड़ियाँ उसको लेकर जाएँ, कचरे को हमेशा वहाँ महफूज करें। दूसरी बात, कराची पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का ही दिल नहीं, कराची इस इलाके में कई मुल्कों का, जो कि वो तस्लीम नहीं करते लेकिन उनकी ट्रांजिट यहीं से होकर जाती है कराची पोर्ट से। और कराची माँ भी है, कराची ज़मीन भी है, कराची सरजमीन भी है। कराची को अपना समझे, हमें भी अपना समझे। और मैं ये अपील करूँगा तमाम आजकल का जो काबीना है उससे कि हमें दूसरों से ना मिलाया जाए। हम पाकिस्तान बनने के वक्त पे आए हैं, हम तलवारों की नोक पर होकर आए हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें जल्द से जल्द आईडी कार्ड हमारा जारी किया जाए। जा रहा है आज के लिए, आप भी बताएं कि हमें आईडी कार्ड दे दिया जाए। वो मैंने बता दिया है, मैंने उनको आईडी कार्ड का बता दिया है। फिलहाल हमें इजाजत दी, इंशाल्लाह हम हाजिर होते हैं अगले प्रोग्राम में। बंगाली।